दीदी आप क्या कर रही हैं? क्या आप खेल खेल रही हैं? क्या आप मुझे नहीं बताएंगी? ओहो, अच्छा भाई पूछो, क्या पूछ रहे थे? दीदी मैं यह जानना चाह रहा था कि आप क्या कर रही हैं? अरे भाई, मुझे कल बच्चों को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में समझाना है और मैं उसी के लिए कुछ प्रयोगात्मक सामान तैयार कर रही थी, समझे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? विद्युत धारा से ऊष्मा और प्रकाश तो उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन क्या विद्युत धारा का कोई चुंबकीय प्रभाव भी होता है? होता है, जरूर होता है। ये देखो, ये मोटर, ये विद्युत चुंबक, ये एमीटर और ये वोल्टमीटर भी, ये सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, समझ आया? चलो अब जाओ खेलो, मुझे लेसन प्रिपेयर करना है। क्या आप मुझे नहीं समझाएंगी? इतने प्यार से पूछोगे तो जरूर समझाऊंगी। ये देखो, सबसे पहले हम आपको छड़ चुंबक से मिलवाते हैं और फिर चुंबकीय क्षेत्र के और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताते हैं। अच्छा चलो, अब हम छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं को जानने के लिए एक प्रयोग करते हैं, क्यों, ठीक रहेगा ना? चलो ये देखो, ये है ड्राइंग बोर्ड। अब उस पर एक सफेद कागज लगाते हैं और इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखते हैं। छड़ चुंबक के चारों ओर समान रूप से कुछ बारीक लौह चूर्ण बिखेरो और बोर्ड को जरा धीरे धीरे थपथपाओ तो सही। अरे लौह चूर्ण यहाँ तो एक पैटर्न में व्यवस्थित हो गया है। बिल्कुल सही, जरा सोचो तो सही, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। मैं बताती हूँ, चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, इसीलिए लौह चूर्ण का हर कण एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है और इसी बल के कारण लौह चूर्ण एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। जानते हो, किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और वो रेखाएं जिनकी दिशा में लौह चूर्ण अपने आप को व्यवस्थित करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाती हैं। हम दिक्सूचक की मदद से भी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। चलो इसे भी एक प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड लो और उस पर एक सफेद कागज लगाओ। कागज के बीचों बीच छड़ चुंबक को रखो। अब दिक्सूचक को छड़ चुंबक के उत्तर ध्रुव के समीप लेकर आए। दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर हो जाता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। अब दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब दिक्सूची को इस तरह रखिए कि इसका दक्षिणी ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले दिक्सूची के उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए और इस प्रकार चुंबक के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराइए। कागज पर अंकित बिंदुओं को मिलाइए। यहाँ हमें एक वक्र प्राप्त होगा। क्यों पिंटू भैया, तुम जानते हो ये वक्र हमें क्या दर्शाता है? चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये वक्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। अच्छा दीदी। अब इस पूरी प्रक्रिया को
कई बार दोहराकर और भी क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं और इसीलिए इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं। जिस दिशा में दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसीलिए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। हम देख सकते हैं कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव है ही नहीं। अच्छा दीदी, ये बताइए कि किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होगा? अच्छा, तो अब तुम ये भी जानना चाहते हो। चलो ठीक है, एक 6 वोल्ट की बैटरी लो, साथ ही साथ एक परिवर्ती प्रतिरोध, 0 से 5 एम्पियर परिसर का एमीटर, एक प्लग कुंजी और एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लो। अब एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लो और उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंब पर इस मोटे तार को इस तरह लगाओ। ध्यान रहे, तार कार्डबोर्ड में स्थिर रहे और ये इस तरह ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। अब तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर तथा बिंदुओं X तथा Y के बीच में श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी से जोड़ें। कुंजी लगाकर परिपथ बंद करें ताकि तांबे की तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। धारा नियंत्रण के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखें तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट करें और कुंजी को प्लग से निकाल लें। ध्यान रहे, बिंदुओं X और Y के बीच लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर तथा सीधा रहे। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से बिखेरे। अब कुंजी में फिर से प्लग लगाएं। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए और अब लौह चूर्ण के पैटर्न को ध्यान से देखिए। लौह चूर्ण तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर वृत्ताकार पैटर्न बना रहा है। ये संकेंद्रीय वृत्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं। अब वृत्त के किसी बिंदु पर दिक्सूची रखें। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है।
यदि सीधे तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को उल्टा यानी रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा दीदी? आओ इसे भी प्रयोग करके देखें। अब ये देखो, हमने तांबे के तार में विद्युत धारा की दिशा बदल दी। ये क्या, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट गई? हाँ बिल्कुल सही। चलो अब हम देखें कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण को बदलने पर क्या होगा। जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो दिक्सूची के विक्षेपण में भी वृद्धि होती है, अर्थात किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। अच्छा दीदी, यदि तांबे की तार में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा तो समान रहे लेकिन दिक्सूची को तांबे के तार से दूर ले जाएं तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, चलो करके देखते हैं। ये देखो, यहाँ भी दिक्सूची में विक्षेपण तो हो रहा है लेकिन कम। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर कम हो जाता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक से दूरी बढ़ने के साथ साथ उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज भी बड़ा होता जाता है। चलो अब हम किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीखते हैं। यहाँ देखिए, इस विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कल्पना कीजिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा हो, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, यानी हमारी उंगलियों की लपेट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और जानते हो, इसे हम दक्षिण हस्त अंगूठ नियम कहते हैं, यानी राइट हैंड थंब रूल। अब यदि हम इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश यानी लूप बनाएं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब जानते हो चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? कैसा होगा दीदी? यहाँ भी हम विद्युत धारा की दिशा का ध्यान रखेंगे और दक्षिण हस्त अंगूठ नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं बताएंगे। वृत्ताकार लूप में विपरीत बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी विपरीत है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के मान तथा चालक से दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है और किसी धारावाही लूप के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार लूप के केंद्र में पहुंचते हैं, इन बड़े वृत्तों के चाप सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। विद्युत धारावाही तार के पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर होता है, अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी निरंतर बढ़ता रहता है।
यदि हमारे पास N फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में N गुना अधिक प्रबल होगा। इसका क्या कारण है दीदी? देखिए, प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है और इन्हीं फेरों के चुंबकीय क्षेत्रों के संयोजन से कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निर्धारित होता है। आइए अब हम एक N फेरों वाली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को देखें। हम एक आयताकार कार्डबोर्ड लेते हैं जिसमें दो छेद हो। अब एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लें जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो और इसे कार्डबोर्ड के तल में अभिलंबवत लगाएं। कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से जोड़ें। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण को एक समान रूप से चित्राएं। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा करें और कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाएं। अरे वाह, अब यहाँ भी कार्डबोर्ड पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बन गया। अच्छा दीदी, ये बताइए कि किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होगा? अच्छा, तो अब तुम ये भी जानना चाहते हो। चलो ठीक है, एक 6 वोल्ट की बैटरी लो, साथ ही साथ एक परिवर्ती प्रतिरोध, 0 से 5 एम्पीयर परिसर का एमीटर, एक प्लग कुंजी और एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लो। अब एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लो और उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत इस मोटे तार को इस तरह लगाओ। ध्यान रहे, तार कार्डबोर्ड में स्थिर रहे और ये इस तरह ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। अब तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर तह बिंदुओं एक्स तथा वाई के बीच में श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी से जोड़ें। कुंजी लगाकर परिपथ बंद करें ताकि तांबे की तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। धारा नियंत्रण के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखें तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट करें और कुंजी को प्लग से निकाल ले। ध्यान रहे, बिंदुओं एक्स और वाई के बीच लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर तह सीधा रहे। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से बिखेरे। अब कुंजी में फिर से प्लग लगाएं। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए और अब लौह चूर्ण के पैटर्न को ध्यान से देखिए। लौह चूर्ण तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर वृत्ताकार पैटर्न बना रहा है। ये संकेंद्रीय वृत्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं। अब वृत्त के किसी बिंदु पर दिक्सूची रखें। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। यदि सीधे तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को उल्टा यानी रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा दीदी? आओ इसे भी प्रयोग करके देखें। अब ये देखो, हमने तांबे के तार में विद्युत धारा की दिशा बदल दी। ये क्या, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट गई? हाँ बिल्कुल सही। चलो अब हम देखें कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण को बदलने पर क्या होगा।
जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो दिक्सूची के विक्षेपण में भी वृद्धि होती है। अर्थात किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। अच्छा दीदी, यदि तांबे की तार में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा तो समान रहे लेकिन दिक्सूची को तांबे के तार से दूर ले जाएं तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, चलो करके देखते हैं। ये देखो, यहाँ भी दिक्सूची में विक्षेपण तो हो रहा है लेकिन कम। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर कम हो जाता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक से दूरी बढ़ने के साथ साथ उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज भी बड़ा होता जाता है। चलो अब हम किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीखते हैं। यहाँ देखिए, इस विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कल्पना कीजिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा हो, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, यानी हमारी उंगलियों की लपेट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और जानते हो, इसे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, यानी राइट हैंड थंब रूल। अब यदि हम इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश यानी लूप बनाएं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब जानते हो चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? कैसा होगा दीदी? यहाँ भी हम विद्युत धारा की दिशा का ध्यान रखेंगे और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं बताएंगे। वृत्ताकार लूप में विपरीत बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी विपरीत है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के मान तथा चालक से दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है और किसी धारावाही लूप के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार लूप के केंद्र में पहुंचते हैं, इन बड़े वृत्तों के चाप सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। विद्युत धारावाही तार के पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर होता है। अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी निरंतर बढ़ता रहता है। यदि हमारे पास N फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में N गुना अधिक प्रबल होगा। इसका क्या कारण है दीदी? देखिए, प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है और इन्हीं फेरों के चुंबकीय क्षेत्रों के संयोजन से कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निर्धारित होता है। आइए अब हम एक N फेरों वाली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को देखें। हम एक आयताकार कार्डबोर्ड लेते हैं जिसमें दो छेद हो। अब एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लें जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो और इसे कार्डबोर्ड के तल में अभिलंबवत लगाएं। कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से जोड़ें। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण को एक समान रूप से चित्राएं। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा करें और कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाएं। अरे वाह, अब यहाँ भी कार्डबोर्ड पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बन गया। आओ अब हम परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी लेते हैं। परिनालिका क्या होती है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करता है। किसी परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न इस प्रकार होगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। इससे पता चलता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब आप इस परिनालिका को एक लकड़ी के स्टैंड पर वर्टिकली फिट करें और अब इस परिनालिका में एक नर्म लोहे की छड़ को फिक्स करें। नर्म लोहे की छड़ के सिरे से कुछ दूरी पर लोहे की आलपिन रखें और अब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करें। अरे ये क्या हुआ, आलपिन तो लोहे की छड़ से चिपक गई, ऐसा क्यों हुआ? चिपक तो गई, तुम ही सोचो जरा ऐसा क्यों हुआ। क्या ये लोहे की छड़ चुंबक बन गई? बिल्कुल सही। परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसमें एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिनालिका के भीतर एक नरम लोहे की छड़ रखने पर वो चुंबक बन जाती है और इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को भी प्रभावित करता है। विद्युत धारावाही चालक के निकट रखे चुंबक पर बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा कि परिणाम स्वरूप चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगाना चाहिए। सबसे पहले एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी ले लें और इस छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज तह लटकाएं। अब एक प्रबल नाल चुंबक लें और उसे इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एल्यूमिनियम की छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की हो। इसके लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर तह ऊपर रखें। एल्यूमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी और एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ें। एल्यूमिनियम छड़ में सिरे बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित करें। अरे ये क्या, छड़ तो बाई दिशा में विस्थापित हो गई? हाँ, अब जरा छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा बदल दो।
यानी विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित करो। अरे छड़ भी विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को विपरीत करने पर आरोपित बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। अतः चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरतः अधोमुखी यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाती है। यहाँ तो फिर से विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा विपरीत हो जाती है। हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। छड़ में विस्थापन उस समय सबसे अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम से लगा सकते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या फिर चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसी युक्तियाँ इसी प्रभाव पर कार्य करती हैं। आइए अब हम विद्युत मोटर के बारे में बात करते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति यानी रोटेटिंग डिवाइस है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों और MP3 प्लेयरों में किया जाता है। आओ अब हम देखते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है। मान लीजिए ये आयताकार कुंडली है ABCD। ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है। इसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। आयताकार कुंडली ABCD के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों तथा Q से जुड़े होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X और Y से संपर्क करते हैं। चलो अब हम प्रतिरोध, बैटरी, कुंजी प्लग और संयोजक तारों की मदद से एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। विद्युत धारा बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है और चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है।
कुंडली ABCD में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है, यानी AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल उसे नीचे की ओर धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल उसे ऊपर की ओर धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। आधे घूर्णन के बाद क्यू का संपर्क ब्रश X से होता है। तथा पी का संपर्क ब्रश Y से होता है। इसीलिए कुंडली में विद्युत धारा विपरीत होकर पथ DCBA की दिशा में बहने लगती है। वो युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को विपरीत कर देती है उसे दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होने पर दोनों भुजाओं AB तथा CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी विपरीत हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले नीचे की ओर धकेली गई, अब ऊपर की ओर धकेली जाती है, तथा कुंडली की भुजा CD जो पहले ऊपर धकेली गई, अब नीचे धकेली जाती है। इसलिए आधे घूर्णन यानी रोटेशन के बाद विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती रहती है, जिसके कारण कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है। व्यावसायिक मोटरों में स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। कुंडली नर्म लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। ये नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अब एक अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली या एक परिनालिका AB लें। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ें। एक प्रबल छड़ चुंबक लें और इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली की सिरे बी की ओर ले जाएं। अरे यहाँ तो सुई दाईं ओर विक्षेपित होकर पुनः शून्य पर आ गई। हाँ, वास्तव में कुंडली AB में क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप फिर से शून्य हो जाता है। अब चुंबक के उत्तर ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएं। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित हुई है। हाँ, और ये दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले से विपरीत है। अब कुंडली के निकट किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखें कि चुंबक का उत्तर ध्रुव कुंडली के सिरे बी की ओर हो। जैसे ही कुंडली को चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर लेकर जाते हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर विक्षेपित होती है। जब कुंडली को उत्तर ध्रुव से दूर हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है, और जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में सुई
शून्य पर स्थिर हो जाती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। ये अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या फिर दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है और ये विक्षेपण विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, यानी कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रभाव का अध्ययन सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। आइए अब यहाँ एक परिवर्तन करें। गतिमान चुंबक को एक विद्युत धारावाही कुंडली से प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित किया जा सकता है। तांबे के तार की ऐसी दो भिन्न कुंडलियां लें जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो, जैसे कि 50 या फिर 100 फेरे। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोही खोखले बेलन पर चढ़ाएं। कुंडली एक को जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है श्रेणी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से जोड़ें। कुंडली दो को गैल्वेनोमीटर से जोड़ें और अब कुंजी को प्लग में लगाएं। गैल्वेनोमीटर की सुई में तेजी से विक्षेपण होता है और सुई शीघ्रता से शून्य पर वापस आ जाती है। इससे पता चलता है कि कुंडली दो में क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न हुई। आप बैटरी से कुंडली एक को वियोजित करें। गैल्वेनोमीटर में एक बार फिर से क्षणिक विक्षेप होता है लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है। जब कुंडली एक में विद्युत धारा स्थायी होती है, कुंडली दो में संयोजित गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता। कुंडली एक को प्राथमिक कुंडली और कुंडली दो को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। जब भी कुंडली एक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है, उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है, तो द्वितीयक कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी एक चालक के परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर या उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करा दी जाती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। दीदी, इस स्थिति में हम विद्युत धारा की दिशा का कैसे अनुमान लगा सकते हैं? आओ इसे समझते हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, अंगूठा चालक की गति की दिशा, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है और इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। प्रेरित विद्युत धारा का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे
तरीके से कुंडली को घूर्णन गति प्रदान करने में किया जाता है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। स्थिर चालक ब्रश B1 को वलय R1 पर तथा स्थिर चालक ब्रश B2 को वलय R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थिर कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। यदि कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदेश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है, तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न विद्युत धारा परस्पर जुड़कर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा पैदा करती है, यानी बाहरी परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा बहने लगती है। आधे घूर्णन के बाद भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है, जिसके कारण इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और नेट प्रेरित विद्युत धारा DCBA की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब बाहरी परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद क्रमवार इन भुजाओं में विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है और ब्रश B1 तथा B2 की ध्रुवता बदलती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC कहलाती है। और विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र यानी AC जनित्र कहते हैं। जब कुंडली के दोनों सिरों को विभक्त वलय प्रकार के दिक परिवर्तक से जोड़ा जाता है, तब एक ब्रश हमेशा ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश हमेशा नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहती है। इस व्यवस्था के साथ प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं होता और इसे दिष्ट धारा यानी DC कहते हैं। और इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में यही अंतर है। दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा
एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा विपरीत करती रहती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा विपरीत करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। डीसी की तुलना में एसी की विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा की हानि के भेजा जा सकता है। आइए अब हम घरेलू विद्युत परिपथ को समझें। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों यानी मेन से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे या भूमिगत केबलों के सहारे हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में एक तार धनात्मक तार यानी लाइन वायर होती है और इसे विद्युतमय तार कहते हैं। इस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है। एक अन्य तार ऋणात्मक तार है, इसे उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर कहते हैं और इस पर काला आवरण होता है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत ऊर्जा मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घरों की लाइन तारों से जोड़ा जाता है। ये तार घर के अलग अलग परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं, जिनसे अलग अलग विद्युत साधित्र कार्य करते हैं। प्रत्येक साधित्र का अपना ऑन ऑफ स्विच होता है, जिससे इच्छानुसार उसमें विद्युत प्रवाहित की जा सके। सभी साधित्रों को परस्पर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके। प्रायः घरों में दो अलग अलग परिपथ होते हैं, एक 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिससे बल्ब और पंखे आदि चलाए जाते हैं, और दूसरा 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिसे गीजर और कूलर आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार, जिस पर अक्सर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के नजदीक भूमि के अंदर बहुत गहराई पर एक धातु की प्लेट से जुड़ी होती है। इस तार का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा और रेफ्रिजरेटर जैसे धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से जुड़े भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे ये लाभ होता है कि किसी साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा की कोई लीकेज होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा, जिससे साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तेज विद्युत आघात से सुरक्षित रहेगा। सभी घरेलू परिपथों में विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ तथा साधित्र को अति भारण यानी ओवरलोडिंग के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है। ये अतिभारण कैसे होता है? जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार या भू संपर्क तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है, जानते हो। ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है और इसे लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित हानि से बचाता है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है।
जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। अतिभारण का एक अन्य कारण हो सकता है आपूर्ति वोल्टता में अचानक से वृद्धि। कभी कभी तो एक ही सर्किट से बहुत से विद्युत साधित्रों को जोड़ने से भी अतिभारण हो जाता है।